हाय, मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप। एक बार फिर शुरू है हमारा प्रोग्राम जिसका नाम है सोशल लिस्ट। सबसे पहले करते हैं बात आज के शो में क्या है खास। तालिबान की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मोदी सरकार पर टॉन्ट मारने वाले कहां फंसे। अफगानिस्तान की ट्रैफिक पुलिस का हाल देख के सिर धुन लेंगे। बीजेपी के विधायक ने वैक्सीन जागरूकता के लिए ऐसी मजेदार बात कह दी कि लोगों की हंसी नहीं रुकी। और पिक ऑफ द डे में करेंगे बात गुजरे जमाने की चीजें दिखाने वाले इस अंडररेटेड से चैनल की। लेकिन उस सबसे पहले सोशल मीडिया के आज के दिन के मुख्य समाचार। बातें पॉलिटिकल ट्रेंड्स की करते हैं। चलाया गया हैशटैग मोदी रोजगार दो। बातें तो छात्रों को ध्यान में रखकर की जा रही थी लेकिन पॉलिटिकल हित निहित थे। जितनी भारतीय मीडिया को अफगानिस्तान की चिंता है, काश इतनी चिंता मेरे देश के बेरोजगार युवाओं की होती, ऐसी बातें चलाई गई। न चोर हूँ न चौकीदार हूँ साहब मैं तो बेरोजगार हूँ जैसे नारे लगे। ये साहब वाला कीवर्ड गढ़ सकता है। 2 करोड़ को रोजगार देंगे, 6 करोड़ को बेरोजगार कर दिया, ऐसी बातें लिख के पकौड़े तलते हुए युवाओं की तस्वीरें भी चलाई गई। हैशटैग इंडिया विद अभिजीत सांगा भी ट्रेंड हुआ। कानपुर से बीजेपी विधायक अभिजीत सिंह सांगा का वीडियो वायरल हुआ। कहा गया मुहर्रम को लेकर उन्होंने धमकी दी है। बयान की 2 बातों पर बड़ा बवाल चल रहा है। एक ये कि किसी माई के लाल में दम हो तो ताजिया दफना कर दिखाए, और एक ये कि यहाँ ताजिया दफन नहीं होगी, उनके इरादे दफन होंगे। देखिए वो वीडियो जो वायरल हुआ। एकजुट होकर के हमारे हिंदू भाई एकजुट होकर के एकत्रित होकर के आने वाली लड़ाई के लिए मुस्तैद रहिए। और मुझे पूरा विश्वास है कि साथियों आज देश में मोदी की सरकार है और प्रदेश में योगी की सरकार है। और योगी की सरकार में ऐसे अराजक तत्व कि ये हैसियत नहीं पड़ेगी कि यहाँ की धरती पर आकर के कबला बनाने का काम करें या कोई ताजिया दफनाने का काम करें, ये उनकी हिम्मत नहीं पड़ेगी। आज ये मैं चुनौती देने का काम उन लोगों को करता हूँ। बुलाने वाली तारीख को कौन सी तारीख बन रही है? 19 तारीख को विधानसभा चल रही होगी। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ अगर यहाँ ताजिया उठेगा तो लखनऊ की विधानसभा में छोड़ दूंगा और यहाँ पर आकर के बैठने का काम करूंगा। इस कार्यक्रम को हमेशा के लिए रोकने का काम साथियों यहाँ पर कर दिया जाएगा। इस साथियों यहाँ पर ताजिया तो दफन नहीं होंगे लेकिन यहाँ पर उनके इरादे दफन कर देंगे। अब हर खराब आइडिया को सपोर्ट करने वाले भी आ ही जाते हैं जिन्होंने स्टैंड वाला हैशटैग चलाया। ग्रेजुएट इन माइक्रोबायोलॉजी फ्रॉम कानपुर यूनिवर्सिटी, उसके बाद देन आफ्टर मास्टर्स इन इंटीरियर डिजाइन फ्रॉम APJ स्कूल ऑफ डिजाइन न्यू दिल्ली एफिलिएटेड टू गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी पंजाब। यही नहीं, अभी और सुनिए, MBA इन इंटीरियर डिजाइन मैनेजमेंट फ्रॉम ISBC हैदराबाद से पढ़ाई करने वाले मेमे शब्द के जनक दीपक शर्मा जैसे लोग लिखते रहो भगवाधारियों टाइप्स उद्घोष करके ये ट्रेंड चलाते मिले। द लायन किंग तो आपने देखी ही होगी। अगर नहीं देखी है तो क्या ये सोशलिस्ट वोशलिस्ट टाइप शो देख के समय बर्बाद कर रहे हैं? पहले जो जरूरी है वो करिए, वो जाके देखाइए। मैं नहीं कर रहा शो, आप जाइए वो देखिए पहले। मैं कुछ बताऊंगा ही नहीं, आप पहले वो देखिए। खैर, जिन लोगों ने देख रखी है फिल्म उनके लिए बताते हैं, मुफासा की मौत का सीन तो आपको याद ही होगा कि कैसे खाई से स्कार मुफासा का पंजा जबरन हटाकर उसको ऊंचाई से गिराकर मार देता है। ऐसा ही कुछ नजर आया रेडिट पर। लोग कहते थे रेडिट का कंटेंट दिखाओ, लीजिए दिखा रहे हैं। ऐसा ही चला तो एक दिन कू के हैशटैग भी आपको हम बताएंगे। पैजलज नाम के यूजर की ओर से आया वीडियो जिसमें एक बिल्ली दूसरे को सेम टेक्निक सेम एनर्जी से नीचे गिरा रही थी। 20,000 से ज्यादा अपवोट के साथ अब ये वीडियो वायरल है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आज के दिन के और बड़े ट्रेंड्स की। भारतीय राजनीति और सोशल मीडिया का संगम हुआ तो ऐसे ऐसे कीवर्ड्स निकल आए कि सिर्फ एक शब्द कहकर किसी पर तंज कस दिया जाता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस, मॉर्निंग वॉक, आलू सोना, स्टील का गिलास, बादल से बेनिफिट, नाले की गैस, मटर छीलना, विंडी जल, टोंटी, ये सब वो चीजें हैं जो बोल दो तो लोग या तो हंसने लगते हैं या फिर FIR करा देते हैं। इसी सब के बीच तालिबान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की बड़ी बड़ी बातें फेंकी, किसी को कोई खतरा नहीं है, मीडिया स्वतंत्रता से काम करे, इफ एंड बट लगाकर ये भी कहा गया कि औरतों को काम करने देंगे, और भी बहुत सी फेंका फाकी उन्होंने किए। अब भारत में क्या हुआ कि लोगों ने देखा कि तालिबान प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है तो सीधे PM मोदी का प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करना इनको याद आ गया और घुमा फिरा के उस पर तंज कसा जाने लगा। नतीजा ये कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस और इवन तालिबान ये शब्द ट्रेंड करते हुए मिले।
भारत में तो पीएम मोदी पर सवाल उठाने वाले प्रेस कॉन्फ्रेंस न करने पर अपने चुने हुए प्रधानमंत्री को टारगेट कर रहे थे। अमेरिका का भी वैसा ही हाल था। वहां डोनाल्ड ट्रंप जूनियर कहते मिले कि तालिबान प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, लेकिन हमारे अमेरिका के अपने राष्ट्रपति अक्षम है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करना जरूरी उन्होंने नहीं समझा। मतलब आप समझ रहे ना कि तालिबान जैसी निकृष्ट चीज से भी लोगों को अपनी राजनीति चमकानी है। कांग्रेस वालों ने लिखा, तालिबान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बहादुर पत्रकारों ने सवाल पूछा और उन्हें जवाबों के लिए ग्रिल किया, जबकि भारत में पीएम ने 2642 दिन से प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। लचर पत्रकार उनसे इंटरव्यू में पूछते हैं कि क्या वो बटुआ रखते हैं, कविता लिखते हैं या आम खाते हैं। एक्सक्यूज मी भाई साहब, आम का पूछने वाले कथित रूप से भी पत्रकार नहीं थे, एक्टर थे वो। गुरमेहर कौर ने लिखा, इवन तालिबान प्रेस से अनस्क्रिप्टेड सवाल ले रहा है। ऐसे ही कई लोगों ने इवन तालिबान ये शब्द यूज करके और इवन तालिबान प्रेस कॉन्फ्रेंस ऐसी बातें कहीं और तंज कसे, और फिर इसी बात पर इवन तालिबान प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है ऐसा कहकर उन पे उल्टे तंज कसे गए। इवन तालिबान से शुरू हुए कई ट्वीट दिखे तो लोगों ने इसे न्यू टूलकिट कहना शुरू कर दिया। किसी ने लिखा, लोकल जर्नलिस्ट डाइड इन जलालाबाद आफ्टर तालिबान ओपन फायर्ड, इवन तालिबान टेक्स क्वेश्चंस फ्रॉम प्रेस, लोल। कटाक्ष तो सही जगह था, लेकिन ये जो लोल के बाद सही साबित होने की खुशी की स्माइली है ना, वो बहुत भद्दी थी। तालिबान की क्रूरता दिखाई गई। एक आतंकी एक आदमी के गले पर हाथ रखे हुए था, जाहिर है जान से मारने को। टेक्स्ट था, हाँ भाई कोई आखिरी सवाल, और सवाल आया, सर आपकी अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस कब है। सोशल मीडिया पर वायरल है एक वीडियो, बताया जा रहा है कि तालिबान के अफगानिस्तान में कब्जे के बाद का वीडियो है। असल में कब का है इसकी पुष्टि तो हम नहीं कर सकते, ऊपर से ट्विटर पर IPS वगैरह डाल रहे तो डाउट और बढ़ जाता है। अरे हाँ, चुनाव के पहले नेताओं के भाषण का और ब्लूटिक वाले अफसरों के डाले वीडियोज का कभी भी आंख मूंद के भरोसा मत कीजिएगा। ये तो नजर आता है ये इस वीडियो में कि एक तालिबानी बंदूक लिए ट्रैफिक की व्यवस्था बनवा रहा है। अब वीडियो फेसबुक पर भी वायरल है, लोग कह रहे हैं तालिबान ट्रैफिक पुलिस कोई रूल तोड़ने की कोशिश ना करें वरना इस्तकबाल कारतूस के साथ किया जाएगा। वीडियो देखिए। غزنی ولایت د ترافیک مدیریت مخه او د یو ترافیک پارسوی نه। MP के कटनी जिसका शानदार रेलवे स्टेशन अब से कुछ साल पहले आपने देखा रहा हो तो आपको क्या होता, आपका क्या होता ये वही समझ सकता है जिसने कुछ साल पहले वो रेलवे स्टेशन देखा था। जिसको पता है उसको पता है। तो वहाँ के BJP विधायक हैं संजय पाठक, पूर्व राज्य मंत्री रहे हैं, कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर बातें कर रहे थे, जन जागरूकता तो फैलाने टाइप काम कर रहे थे, बता रहे थे कि कोरोना से बचाव का एक ही उपाय है और वो है वैक्सीन। यही सब कहते हुए वो एक ऐसी बात कह दी उन्होंने जिसका मतलब ऐसा निकला कि वीडियो वायरल हो गया और लोग हंस पड़े। वो बता रहे थे कि लोग अफवाह फैलाते हैं कि वैक्सीन लगवाने से नपुंसक हो जाते हैं, मैंने सुना तो टेंशन में आ गया, 3-4 महीने चेक किया तो कुछ नहीं हुआ, अब इस बात पर लोग हंस पड़े। वीडियो जो है वो वायरल है, आप भी देखिए। अपनी, अपने परिवार की, अपने नगर की, अपने प्रदेश की, अपने राष्ट्र की अगर रक्षा करना चाहते हो तो शुरुआत आपको ही करनी पड़ेगी। जिसने टीका नहीं लगवाया आज जाके प्लानिंग कर लीजिए कि हम कल परसों अरसों के अंदर टीका लगाए, और कोई भ्रम में मत पड़ना। कई मूर्ख बोलते हैं अरे कहीं नपुंसक ना हो जाए, बोला दिया बीच में, तो मैंने वैक्सीन लगवाई, अब मैं वैक्सीन लगा तो आके मेरे को बोला भैया। वैसे लोग कह तो रहे हैं कि बात सही कह रहे थे, बस उदाहरण कुछ और दे सकते थे, लेकिन हमको लगता है कि ऐसा भी कुछ गलत नहीं कह दिया। जैसी जनता सामने होती है उसे इंगेज करने के लिए उनकी भाषा में, उनकी समझ में आप कुछ चीजें कह देते हैं, कई बार खुद पर भी जोक करते हैं और थोड़ा बहुत लिबर्टी भी ले लेते हैं। विधायक जी ने भी ऐसा ही कुछ किया है, ज्यादा लोड नहीं लेना चाहिए उनकी इस बात का। सोशलिस्ट में अब बारी है पिक ऑफ द डे की, और पिक ऑफ द डे में हम आपको दिखाते हैं कोई अच्छा सा अकाउंट हैंडल चैनल या कोई वीडियो या तस्वीर, हम बताते हैं हमको बड़ा जहां फाड़ लगा, आप भी देखिए।
आज का जो YouTube चैनल हम आपको बताने जा रहे हैं वो थोड़ा अंडररेटेड है, उतना नज़रों में नहीं आता लोगों की, लेकिन है शानदार। आर्काइव MC, यहाँ नज़र आते हैं मेडिकल फील्ड के कुछ कई पुराने वीडियोज, मेंटल ट्रीटमेंट से लेकर बच्चे के जन्म के वीडियो, विटामिन डिफिशेंसी से लेकर वैक्सीन बनाने तक के आर्काइव वीडियोज, पुराने वीडियो आपको यहाँ मिल जाते हैं। तो अगर आपको पुरानी चीज़ों में, साइंस में दिलचस्पी हो तो ये चैनल देख सकते हैं, काफ़ी बेहतर है। बाकी आज के सोशल लिस्ट में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए हम चले टाटा।